जय सिया राम भक्तजनों। भक्तों, क्या भगवान हर पल हमारे साथ रहते हैं? अच्छा प्रश्न है। हाँ भक्तों, भगवान हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान हर पल हमारे साथ रहते हैं तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इस दुनिया में तो ऐसा नहीं है, जो साथ में हो या पास में हो और दिखाई ना दे। हाँ भक्तों, आपने सही सोचा। लेकिन प्यारे भक्तों, यहाँ आपको थोड़ी बुद्धि लगानी होगी। भगवान दिखने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव की चीज़ है। जैसे आप इस उदाहरण से समझें, वायु हर स्थान पर हर समय रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसे हम अनुभव कहते हैं, उसे हम अनुभव करते हैं। एक और उदाहरण से समझाते हैं हम आपको कि आपके अंदर हर समय श्वास आती जाती रहती है और वो भी लगातार, लेकिन श्वास किसी को दिखाई तो नहीं देती। इसी तरह से भगवान हर पल हमारे पास हमारे साथ रहते हैं, वो अनुभव में आते हैं, दिखाई नहीं देते, इसलिए तो उन्हें अंतर्यामी कहते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो भगवान को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। बहुत भक्त ऐसे हुए हैं, संत हुए हैं और आगे भी होंगे, जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है। और प्यारे भक्तों, आप यह भी समझ लो, अगर भगवान हमारे साथ या हमारे पास नहीं होंगे तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये खुद विचार करके देख सकते हो, हम भगवान के होने से ही जीवित रहते हैं। जिस पल भगवान साथ नहीं होते हैं उसी पल हम मनुष्य से मुर्दा हो जाते हैं, मुर्दा कहलाते हैं। वो भगवान कहाँ नहीं है, भगवान हर जगह व्याप्त है, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सूझ वाली आँख कहते हैं सज्जनों, ज्ञान की आँख के लिए, उसे ज्ञान की आँख से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। भगवान को जर्रे जर्रे में बताया है तो हमारे साथ क्यों नहीं होंगे? इसलिए प्यारे भक्तों, ये पक्का अपने मन में विश्वास करो कि भगवान हर पल हमारे साथ रहते हैं। और अगर आप ये विश्वास नहीं रखेंगे और आप अनुभव करना चाहेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, अनुभव भी आपको विश्वास करने से ही होगा। और जब आप ये समझ लेंगे कि हर पल हमारे साथ भगवान रहते हैं तो आपको अनुभव भी होगा और आप आनंदमय स्थिति में भी रहने लगेंगे। इसलिए आप ये अच्छी तरह से समझ लें, जान लें कि हर पल हर क्षण भगवान हमारे साथ रहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।